Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, then please like, share and subscribe. So, आज मैं आपके साथ समर नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ. सो गाइज, आप अभी मेरी स्किन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूटीन है और साथ में मैं आपको हैंड्स केयर भी बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अभी हम सबसे पहले क्लिनजिंग से स्टार्ट करेंगे हमारा रूटीन. सो मैं क्लिनजिंग के लिए यहाँ पे रॉ मिल्क ले रही हूँ, जिसे कहते हैं कच्चा दूध. गाइज, ये बहुत ही अच्छी आपकी स्किन की क्लिनजिंग करता है. सो अगर आपके पास क्लिनजिंग मिल्क नहीं है तो आप रॉ मिल्क यूज़ करके अच्छी तरह से आपकी स्किन की क्लिनजिंग कर सकते हैं. ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है, सभी डर्ट वगैरह को ये अच्छी तरह से रिमूव कर देता है और आपकी स्किन में इंस्टेंट शाइन भी बूस्ट करता है. सो बहुत सारे लोग तो इसे डेली बेसिस पे ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं, और अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं. ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा. आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो या ड्राई हो, ये ऑल स्किन टाइप्स पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है. सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मैं यहाँ पर अपनी स्किन पर कॉटन की हेल्प से इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरह से मसाज करूँगी ताकि ये मेरी स्किन की जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसे रिमूव कर सके. सो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब हमारा जो भी क्लिनजिंग मिल्क था, रॉ मिल्क हमने यूज़ किया था, वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है. तो अब हम हमारे फेस को वॉश कर लेंगे वाटर की हेल्प से और हमें कोल्ड वाटर यूज़ करना है. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शाइन प्रोवाइड कर देता है रॉ मिल्क हमें. सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम फेस वॉश करेंगे. फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे बायोटिक का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस, ये है हमारा बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो पपाया विजिबली फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश, जो कि ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है. और गाइस, इसके अंदर स्क्रब लाइक थोड़ा सा लिक्विड होता है जो कि आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट भी कर देता है. सो अगर आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्क्रब करने की बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी. बहुत ही अच्छे से ये आपके फेस को एक्सफोलिएट भी कर देता है और फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है. सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. मैं अपने स्किन केयर रूटीन में इसे ज़रूर ऐड करती हूँ. जब भी मुझे क्लिनजिंग के बाद एक्सफोलिएशन की प्रोसेस लगती है तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ. ये बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है. है तो ये फेस वॉश, बट ये स्क्रब का भी काम करता है. सो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम हमारे फेस को वाटर की हेल्प से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और टॉवल ड्राई कर लेंगे. सो यहाँ पे हमारा फेस अच्छी तरह से वॉश हो चुका है. तो बस हमें क्लिनजिंग के बाद फेस वॉश करना होता है. अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम टोनिंग करेंगे हमारे फेस की. इसके लिए आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है. सो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल सा टोनर है जिसे कि मैं डेली बेसिस पर अप्लाई करती हूँ. सो यहाँ पे मैंने अपना टोनर अप्लाई कर लिया है अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए. सो आप भी टोनर ज़रूर अप्लाई करें अपने स्किन केयर रूटीन में. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ओशिया का ग्लो प्योर जेल अप्लाई कर रही हूँ फॉर मॉइस्चराइजिंग. और गाइस, आप मॉइस्चराइजिंग के लिए एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं. ये जो मेरा ओशिया का ग्लो प्योर जेल है, ये एनरिच्ड विथ कोकोनट एंड लेमन पील एक्सट्रैक्ट है. और गाइस, ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देता है. सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. सो मैं इसका 1-2 पंप लेकर अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए. नाइट टाइम में हमें बहुत ही अच्छे से
स्किन केयर रूटीन अगर हम ट्राई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ इसमें मिस नहीं करती हूँ, सभी चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ अच्छी तरह से और अप्लाई भी करती हूँ। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे, मुझे मास्क की वजह से टाइनी बम्प्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं यहाँ पे ब्लेमिश केयर सीरम यूज़ करती हूँ। ये वाओ स्किन साइंस का ब्लेमिश केयर सीरम है, एंटी एक्ने, पोर मिनिमाइजिंग और स्पॉट रिड्यूसिंग है, और ये सूट्स करता है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को, बहुत ही अच्छा सीरम है। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आपको इस सीरम को अपनी फिंगर टिप के हेल्प से अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना होता है और उसके बाद डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड करना होता है। ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी ग्रीसी और ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, हमें हमारे फेस को डबल मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। जब भी हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो हम एक ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से बेटर है दो तरह के मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे खादी का ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि है केसर हल्दी चंदन क्रीम फॉर फेयर एंड ग्लोइंग स्किन, कूलिंग एंड स्मूथिंग स्किन और एंटीसेप्टिक। ये हमारी स्किन को कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, तो समर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर रूटीन में जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आपको डबल मॉइस्चराइजिंग में कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी क्रीम लेकर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खादी केसर हल्दी चंदन क्रीम यूज़ किया है। गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटिंग कर देता है। थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ये क्रीम, मतलब हार्ड इन द सेंस कि कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा थिक है। और नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के बाद लिप बाम अप्लाई करने वाली हूँ। हमारी स्किन केयर में लिप केयर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो लिप केयर के लिए आप कोई भी अपना फेवरेट लिप बाम ले सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। सो लिप बाम को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ और आपको भी स्किन केयर में लिप बाम को मिस नहीं करना चाहिए। सो गाइस, मैं आज आपके साथ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि है वाओ स्किन साइंस का कोकोनट हैंड एंड नेल क्रीम। सो गाइस, ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ये हमारे हैंड्स केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गाइस, इसके अंदर कोकोनट ऑयल और टुकुमा बटर है जो कि आपके हैंड्स को मॉइस्चराइज करता है अच्छी तरह से और रिप्लेनिश करता है। और गाइस, इस के पैकेजिंग के आउटर साइड में एक QR कोड आपको मिल जाता है जिसे कि स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और नॉन ग्रीसी फार्मूला है जिससे कि आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगने वाला है। इसके अंदर किसी भी तरह का पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल और कलर भी नहीं है और ये ट्यूब लाइक पैकेजिंग में आपको मिलता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। सो गाइस, आपको इसे यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आप बता देती हूँ। आपको स्मॉल अमाउंट लेना है और उसके बाद अपने हैंड्स पर अप्लाई करके अच्छी तरह से मसाज करना है, तो ये आपको फर्स्ट टाइम यूज़ में ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। और गाइज, ये ट्रूली मेड इन इंडिया ब्रांड है, सो आई लव मेड इन इंडिया ब्रांड। एंड गाइज, मैं इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो 349 रुपीस इसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन आप अगर इसे वाओ की वेबसाइट से परचेस करते हैं तो आपको ये ऑफ में भी मिल जाएगा। और गाइज, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वन टाइम यूज़ में ही इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको इसकी नीड है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं।